हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम जानने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट अब बिल्कुल करीब है, 6 मई को इसका रजिस्ट्रेशन एंड होने वाला है। तो आपने अगर फॉर्म अभी फिलअप नहीं किया हुआ तो ध्यान से इसको अब भर लीजिए, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं है। और इसके लिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँ जिससे आपको आसानी हो जाए फॉर्म भरने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप उस साइट पर जाइएगा NTA के, वो साइट है cuet.samarth.ac.in। तो वहां जैसे आप जाएंगे, वहां जाते ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहां पे एक टैब मिलेगा। उस पर क्या है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वहां न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एक विंडो खुल के आएगी। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक्चुअली वो है जिसमें की सारी डिटेल्स दी हुई है NTA की साइट पे। वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना जरूरी है, इसलिए भी कि उसमें जितने भी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो वहां पे ढंग से दिया हुआ है। तो आप उसको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी फॉर्म भरने में। तो इसको डाउनलोड करना ना भूलें, उसको डाउनलोड करें और उसको ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें, ताकि आपको आसानी हो। तो वैसे भी मैं एक वन बाय वन आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी इन चीजों के लिए। तो सबसे पहले तो आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले पे, उसके बाद आप अपने पर्सनल डिटेल्स वहां भरेंगे, कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या है कि कैंडिडेट का नाम, वो नेम वैसे ही होगा जैसे कि वो 10th के बोर्ड में उनका नाम आया हुआ है। उनका एज भरना पड़ेगा, एज के साथ साथ उनका जेंडर होगा। अच्छा, ईमेल आईडी भरनी जरूरी है और मोबाइल नंबर भी भरना जरूरी है। तो अगर बच्चे का ईमेल आईडी है और मोबाइल अपना पर्सनल है तो वो भर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर अपने पेरेंट्स का भर दें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो पेरेंट्स के मोबाइल पे या उस पे आए तो पेरेंट्स अपना बता दें बच्चे को, तो उससे आसानी हो जाएगी। तो जैसे ही आप ये पर्सनल डिटेल्स, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, फादर और मदर की डिटेल्स भी मांगी जाती है उसमें, फादर और मदर का नाम मांगा जाता है और उनके क्वालिफिकेशंस वगैरह भी मांगे जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप भरेंगे, भरने के बाद क्या होगा कि आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा खुद से। वो पासवर्ड क्या है कि उसमें एक तरीका होता है पासवर्ड जनरेट करने का, जो कि आपको डिटेल्स में वहां दी गई है कि कौन सा लेटर होना चाहिए, अपर केस का लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस का लेटर होना चाहिए, उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आने चाहिए। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का ये आप पासवर्ड बनाएंगे। और पासवर्ड जैसे ही आप बनाएंगे, पासवर्ड बनाने के बाद आप जो डिटेल्स आपने पर्सनल डिटेल्स में आपने फिल किया है उसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही क्या होगा कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वहां पे एक OTP आएगी आपकी। तो OTP जब आएगी आपकी, तो उस OTP को आप वहां पे भरेंगे और भरने के बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जैसे ही जनरेट होगा तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है वो नंबर, और आपका वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंड जो चीजें हैं उसमें एजुकेशनल डिटेल्स भरनी होगी आपको। एजुकेशनल डिटेल्स में क्या होगा कि बच्चे का 10th स्टैंडर्ड के जो आपका मार्कशीट है उस बेसिस पे आपको उसकी डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें कि मार्क्स भरने हो, मार्क्स नहीं बल्कि वहां पे अगर आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड भरने होंगे, CGPA का स्कोर निकाल के आपको वहां भरना होगा। और जिस बच्चे को परसेंटेज मिला हो, सपोज कोई और बोर्ड से हो, तो उसको उस हिसाब से परसेंटेज फिल करना होगा वहां पे। तो 10th का ही तो ये होगा। 12th अगर आप इस बार बोर्ड दे रहे हैं तो वहां पे 12th का रोल नंबर आपको मिला होगा, Part 1 में जो रोल नंबर था वही Part 2 में भी रोल नंबर है, तो वो रोल नंबर आपको फिल करना होगा और वहां पे एज ए अपियरिंग कैंडिडेट आपको वहां पे मेंशन करना होगा। तो जो बच्चे इस बार 12 बोर्ड दे रहे हैं वो बेसिकली अपियरिंग कैंडिडेट ही मेंशन करेंगे इस बार। उसके बाद आपका आता है यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन। अब यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन में क्या है कि आपको कम से कम एक यूनिवर्सिटी चूज करनी है। वो यूनिवर्सिटी आप कैसे चूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको देखना ही देखना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल्स में वो सारी चीजें हैं वहां पे। तो किस यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट में क्या वेटेज है उस हिसाब से आपको वहां पे जाके देखना होगा। तो मान लीजिए जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं तो वहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा और आपको जो सब्जेक्ट भर रहे हैं वो सब्जेक्ट वहां पे चूज करेंगे। तो सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया सपोज अपने हिसाब से, जो भी आप जो जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है या जो टेस्ट देना चाहते हैं आप, उस हिसाब से आपने वहां पे भर लिया। उसमें एडिशनल यूनिवर्सिटीज भी ऐड कर सकते हैं। सपोज आपके क्राइटेरिया के हिसाब से मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, वही सब्जेक्ट अगर आप टेस्ट देते हैं तो हो सकता है आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मिल रहे हो, तो BHU का भी आप वहां पे ऐड करके भर सकते हैं। वही अगर आप देखें तो हो सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिल रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी में मिल रहे हो,
तो वो सारी डिटेल्स वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है आपको उस सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको उस क्राइटेरिया में आप आ सकते हैं। तो आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि मान लीजिए अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिल पाया तो हो सकता है दूसरे यूनिवर्सिटी में आप उस कैटेगरी में फॉल करें या उस स्कोर पे फॉल करें जहां की आपको आराम से एडमिशन मिल जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा ये है, चौथा ये है कि टेस्ट पेपर डिटेल्स। टेस्ट पेपर डिटेल्स में क्या है कि यहाँ पे स्लॉट्स दिए हुए हैं, बेसिकली जब आप फिल करेंगे तो वहां पे स्लॉट वन और स्लॉट टू दिया हुआ है जिसमें कि आपको टेस्ट चूज करना है कौन कौन सा भरना है। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि स्लॉट वन जो कि सुबह में इसका पेपर होगा जो 9 बजे से लेके 12:15 तक, और स्लॉट टू जो है वो 3 बजे शाम से लेके 6:45 तक है। तो इस पे एनटीए की साइड पे क्या हुआ है कि स्लॉट वन और स्लॉट टू करके दो चीजें दी हुई हैं। तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे को सिर्फ 4 पेपर सेलेक्ट करना है या 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए 1 उसको लैंग्वेज का करना है और 3 किसी डोमेन सब्जेक्ट का करना है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकता है बच्चा स्लॉट वन में। लेकिन स्लॉट वन में दिक्कत क्या है कि जो चौथा नंबर पे जो वहां पे ऑप्शन है वहां पे स्लॉट वन में जनरल टेस्ट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो मान लीजिए जनरल टेस्ट अगर आप नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपके 3 ही आ पाएंगे, 1 लैंग्वेज का आ पाएगा और 2 आपके डोमेन आ पाएंगे, ठीक है। तो तीसरे डोमेन के लिए फिर आपको स्लॉट टू में जाना पड़ेगा। तो स्लॉट टू में अगर आप जाते हैं मतलब जैसे ही बच्चा स्लॉट वन और स्लॉट टू दोनों में भरता है अगर अपने सब्जेक्ट को, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो फी है वो स्लॉट वाइज है। स्लॉट वन का फी अगर 650 रुपया है, स्लॉट टू का भी 650 रुपया है। तो अगर दोनों स्लॉट में आपके सब्जेक्ट पढ़ते हैं या दोनों स्लॉट आप बुक करते हैं उस केस में आपको 650 + 650 ये 1200 रुपये लगेंगे, और जो जिनकी रिजर्व कैटेगरीज है उनको 50-50 रुपये कम लगेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप ये स्लॉट जब चूज करेंगे तो सब्जेक्ट को अपने ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं और आपको जनरल टेस्ट में अप्लाई नहीं करना है तो बेटर है कि आप स्लॉट टू चूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 लैंग्वेज भी आ जाएगा और 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। तो इजिली आप यहाँ पे 4 दे सकते हैं स्लॉट टू में और आपका पैसा उतना ही लगेगा, 650 रुपये या 600 रुपये एज पर द कंडीशन। तो यहाँ पे स्लॉट वन और स्लॉट टू बुक करते समय सब्जेक्ट का अपने ध्यान दीजिएगा और उस हिसाब से ढंग से भरिएगा। उसके बाद अब आता है एग्जाम के सेंटर्स। तो एग्जाम के सेंटर्स में क्या है कि एनटीए की साइट पे जो भी फॉर्म है उसमें 4 सेंटर्स आपको चूज करने हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे। सपोज कोई दिल्ली में चूज करना चाह रहा है तो दिल्ली का तो भरेगा ही भरेगा, साथ में नियर बाई स्टेट्स के भी वहां पे ऑप्शन है और आपको भरना ही है, 4 आपको ऑप्शंस भरने पड़ेंगे। मान लीजिए दिल्ली का 1 भर दिया आपने, नियर बाई आपका यूपी का है तो यूपी का 1 भर दिया नजदीक का, उसके बाद आपका हरियाणा का 1 है तो हरियाणा का भर दिया, 1 उत्तराखंड का भर दिया। तो इस हिसाब से आपको 4 स्टेट्स के 4 सिटीज आपको चुनने ही है, वो प्रायोरिटी पे चुनना है। तो जिस सिटी में आप रहते हैं जो बिलोंग करते हैं वो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, दूसरा आप उस हिसाब से नजदीक का जहां भी पड़ता है वो भर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप 4 भरेंगे नहीं वो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अपलोड डिटेल्स। अपलोड डिटेल्स में क्या है कि डिटेल्स आपको वहां पे अपलोड करने हैं उस साइट पे। तो डिटेल्स में आपका फोटो हो सकता है जो फोटोग्राफ आपका होगा अभी का, उसके बाद आपके सिग्नेचर होंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एक पेज पे आप सिग्नेचर कर लेंगे और उसका जेपीईजी फाइल बना लेंगे और उस हिसाब से आप उसको रखेंगे और भेजेंगे। डॉक्यूमेंट्स में और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कैटेगरी में पढ़ते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो उस केस में आपका वो सर्टिफिकेट्स होता है, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीजें जो हैं आपको वहां पे अपलोड करनी होगी साइट पे। उसके बाद आता है आपका ये साइट पे जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो ये अपलोड करते ही बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास एक ईमेल पे एक कोड आएगा और उसको जब आप वहां पे फिल करेंगे कोड को, जैसे ओटीपी टाइप का है तो फिल करेंगे, तो उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा आपने क्या क्या भरा है, एक प्रीव्यू आएगा। तो प्रीव्यू में आप जाके फिर से एक बार चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स अपनी कि आपने ठीक से भरा है कि नहीं। तो प्रीव्यू आपको ठीक लगा कि हाँ आपने ठीक से भरा है, उसके बाद फाइनली आप पेमेंट ऑप्शन पे आ जाइए जो ऑनलाइन पेमेंट होती है। ऑनलाइन पेमेंट में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, उसमें SBI बैंक का ऑप्शन है, उसमें ICICI बैंक का ऑप्शन है और भी ऑप्शन है। वो जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी।
तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, जैसे ही आपने सब्जेक्ट बुक किया, मान लीजिए स्लॉट वन का है तो आपका 650 या 600 रुपए जो भी है, स्लॉट टू दोनों में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका 1200 या 1350 रुपए लगेंगे जो भी है, उस हिसाब से आप करेंगे। तो जैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन चूज करेंगे और पेमेंट आप कर देंगे, तो पेमेंट होते ही आपका पेमेंट रिसीव होते ही आपके पास एक कंफर्मेशन पेज खुल के आएगा। वो कंफर्मेशन पेज ऐसा आएगा जिसमें कि आपकी डिटेल्स एक पेज पे आ जाएगी और ये आएगा कि आपका कंफर्मेशन ये पेज है और आपने अप्लाई कर लिया है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल्स जैसे ही आप भरेंगे और आपको कंफर्मेशन पेज आएगा, तो उस कंफर्मेशन पेज को आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसमें सारी डिटेल्स लगभग दी हुई होती है। तो उससे ये पता चलता है कि आपका सक्सेसफुली ये फॉर्म सबमिट हो चुका है और ये आपके ईमेल में भी ये चीजें आ जाएंगे कि हाँ आपने अपना फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, टाइम काफी कम है, इसीलिए 6 मई को लास्ट डेट है, मुश्किल से 4 दिन बचे हुए हैं। तो वैसे तो भारतीय लोग लास्ट मोमेंट पे ही सारा काम करते हैं, लेकिन आप थोड़ा जल्दी कीजिए और मैं ये आशा करता हूँ कि एक अच्छी सोच, एक अच्छी उम्मीद के साथ आप फॉर्म भरेंगे और अच्छे से पेपर देंगे और आगे चलेंगे और आगे चलते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ और अच्छे सोच के साथ मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीजें बताने की। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।